अमेरिका नमस्कार, कनाडा सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अमेरिका और कनाडा में हर एपिसोड हिंदी में बताने वाला canamnews.com। आज बात करेंगे ट्रंप के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने उल जुलूल बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रंप के वो बयान जब उन्होंने कोरोना वायरस के इलाज के लिए तमाम दावे किए, लेकिन इनमें कितनी हकीकत थी और कितना फसाना, ये तो ट्रंप ही जाने। वैसे ट्रंप जब भी बयान देते हैं तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। उन्होंने हाल ही में कहा कि चीन अपने कोरोना वायरस के आंकड़ों को छिपा रहा है। इससे पहले उन्होंने WHO को दी जाने वाली अपनी फंडिंग रोक डाली। वैसे अमेरिका की बात करें तो उसकी फंडिंग WHO में सबसे ज़्यादा है। 2018-19 में $400 मिलियन थी। यही कारण था कि उसकी फंडिंग पर रोक लगाने के बाद UN तक को भी गिड़गिड़ाना पड़ा। इसके बाद UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, लोगों को कोरोना से निपटने के लिए सभी के साथ की ज़रूरत होगी। तो ये तो हमने बताया अभी तक के ट्रंप के तेवर। अब आपको बताते हैं ट्रंप के वो बयान जिनमें उन्होंने कोरोना वायरस के कई इलाज तक बता डाले हैं। ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस का इलाज करना है तो लंग्स में डिसइंफेक्टेंट्स इंजेक्ट करना चाहिए। अब ये सब कैसे होगा, ये तो ट्रंप ही जाने। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हवाला दे चुके हैं। वैसे HCQ दवा का उपयोग मलेरिया के लिए होता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे तो ट्रंप ने भारत तक को अपने कड़े तेवर दिखा दिए थे। वैसे HCQ कोरोना वायरस के लिए कितनी कारगर है, इस पर तो भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी रिसर्च चल रही है। इसी बीच ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को कोरोना वायरस का अपडेट बताया और कहा कि अल्ट्रावायलेट लाइट कोरोना वायरस को खत्म कर सकती है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया। अब इस रिपोर्ट में क्या है तो सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि कोरोना वायरस के गर्मी में जिंदा रहने की संभावना कम है। ट्रंप बोले, साइंटिस्ट कई तापमानों पर कोरोना वायरस के असर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस का तापमान, मौसम और सतह पर असर कैसा है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ये वायरस ठंडे और खुश्क मौसम में ज़्यादा सर्वाइव करता है, वहीं इसका असर गर्मी और आर्द्रता वाले मौसम में कम हो जाता है। ट्रंप के इस बयान पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के विज्ञान और तकनीकी विभाग के प्रमुख बिल ब्रायन ने भी हाँ में हाँ मिलाई है। ब्रायन ने कहा कि कोरोना वायरस पर जब सूर्य की रोशनी डाली जाए और उसे आर्द्रता में रखें तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस पर अल्कोहल डाला जाए तो ये 30 सेकेंड में ख़त्म हो जाता है। हालांकि DHS का ये रिपोर्ट बहुत शुरुआती है, लेकिन इसमें आगे क्या होगा, क्या वायरस पर अमेरिका कुछ कर पाएगा, क्या अमेरिका पूरी दुनिया को पहला वैक्सीन दे पाएगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में बहुत करीब है। अब ये देखना होगा कि अमेरिका क्या ऐसा कर पाएगा। तब तक आप बने रहें कैनम न्यूज़ के साथ। यहाँ आपको मिलेगा कनाडा और अमेरिका का हर अपडेट।